नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। बटाला के गांव मोमनवाल में उस समय जमकर हंगामा और मारपीट हुई जब बलजीत कौर नामक एक महिला जिसकी शादी मात्र 10 महीने पहले सुखदयाल सिंह नामक व्यक्ति से हुई थी कि उसका पति तलवंडी मुम्मन में अपनी बहन के घर कथित तौर पर किसी अन्य महिला के साथ रहने लगा। बलजीत कौर के पारिवारिक सदस्यों को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो वह तलवंडी मुम्मन पहुँचे और कथित तौर पर जमकर हंगामा करते हुए कहा कि सुखदयाल सिंह ने धोखे में रखकर उससे शादी की, क्योंकि वह उससे पहले भी 4 शादियां कर चुका है। फिलहाल इस हंगामे की खूब चर्चाएं हो रही हैं। क्या है पूरा मामला, आप पीड़िता बलजीत कौर की ही जवानी सुने। सारी अज गल इस तरह हुई जी, मैं पहला भी तुहानू दस चुकी हाँ कि 10 महीने हो गए मेरा सुखदयाल नाल विआह होए नूं। पहला भी वह 3 विआह जम्मू च करा चुका। मैं उन्होंने पहला कहा, मैं कहा चल साहब अगर कोई गलती हो गई है तो तेनू माफ़ किया, अगे तो इदा की गलती ना कर। फिर वीर जी 14 तरीक की जनानी भजा लिया ज्योति नाँ की, वो घर वाले का नाम है गुरदीप सिंह। जो 14 तरीक न भजा के लिया, वो रिश्तेदार पुलिस सारे मैनु तंग करते। मैं बार बार पुछती रही, बार बार पुछती रही, साहब अगर लिया दस दो, लिया दस दो। कहिंदा नहीं लिया, नहीं लिया। फिर वीर जी इन्हें जयंतीपुर कमरा लैके इनू रख्या होया। जदों 22 तरीक न जम्मू की पुलिस जयंतीपुर थाने आई तो जयंतीपुर थाने वाल ने इन्हों पुलिस के हवाले किया। इन्हों बकायदा जयंतीपुर कमरे चो ही फड़िया गया, इन्हों फड़िया गया। शायद इन्हों की फेसबुक पर वीडियो भी वायरल हुई है, पर इस चीज़ का मैनू नहीं पता है। ठीक जे, फिर उस तो बाद वीर जी की भैन गई गुरपिंदर कौर जम्मू छुड़ा के लै आई है। फिर कहिंदा आई तेरी माँ का खसम बैठा, जो तू मेरा पुटना पुट ला, जो करना कर ला। फिर वीर जी हरेक दे मैनू पल्ले पाउंदा, हरेक दे मैनू पल्ले पाउंदा। फिर इस तरह कोई मैं माड़ी जी दुकान करती, कोई आ गया आ भी तेरा खसम आ, आ भी तेरा खसम आ, पापा मेरे मैंटली आ, अगर मैं उनका कछा बदलती हाँ जा डायपर लाउनी हाँ, ये मेरे ते गलत इल्जाम लाउंदा। कहिंदा तू अपने प्यो नाल रहनी आ, अपने प्यो नाल सौनी आ। देखो वीर जी मेरा भरा नहीं हैगा, मेरी मम्मी नहीं हैगी, अगर मैं नहीं अपने पापा नूं सांभूंगी तो कौन सांभेगा। फिर वीर जी हुण अज मैं इहदे घरे गई हाँ तो ये मैनू पै गया, देखो वीर जी मेरे किदां इहने निशान लाए, आ देखो मेरी उंगल खा गया तोड़ के, आ देखो मेरी बांह दा इहने की हाल बनाया वा। मैं जदों इहदे घरे गई इहदी भैण दे तलवंडी खुंभण तो इन्हां ने सारिआं ने मैनू फड़ लिया, सारिआं ने मैनू फड़ के वीर जी कुट्टिआ आ। वीर जी मेरे विआह नूं 10 महीने होए अजे, 8 दिसंबर 2022 नूं मेरा विआह होया सी, 2021 नूं मेरा विआह होया सी, अजे 11 महीने। मैनू वीर जी इस चीज़ का पता मैनू घट तो घट भी तो 4-5 महीने बाद लगा वा, वह भी मैं फोन तो मैसेज DPR लगिया हुई व्हाट्सएप से देखिया। फिर मैं वह जनानी दियाँ बकायदा मेरे को रिकॉर्डिंगा पईयां होईयां वा जिदे नाल 17 साल हो गए उन्हें कोर्ट मैरिज कराई है, वो 3 बच्चे, उस तो बाद उन्हें शीतल नाँ की जनानी ना कराया, उस तो बाद इन्हें एक पूनम नाँ की जनानी रखी हुई सी, वो इन्हें मेट रखी, मेट नूं नजायज ही इन्हें बच्चा बनाता, क्योंकि इहदी भैण दे 12 साल हो गए बच्चा नहीं हैगा। वो कहिंदी किसी भी जनानी तो मैनू बच्चा मिल जाए। क्या कहा बलजीत कौर की ननद गुरपिंदर कौर ने, जे भी सुने। गल सर हुई इदा कि जिदन ये आया ना जम्मू, मतलब इन मैनू उन्होंने पता भी की करना, क्योंकि दवाई लैने लैंड कुड़ी नाल लेके आए आ, आए आ तो दवाई लेके आए तो अही इन्हू कहा भी मेरा आधार कार्ड तेरा चल जाना वा, चल मेरे तेरे थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है तो चल लै आ। जो लैके आते 15 दिन 10-12 दिन मेरे को रहे, 10-12 दिन यदि घर की को रहे है। बाद चलो रोटी पानी का खर्चा दिता रहा, वो कहें क्यों दिंदे, घर वाला गुस्सा कर रहा, शक कर रहा पाया वा। तो ये उधर चलो इन्हों का दोवों का होगा झगड़ा, क्योंकि दोवें लड़ पे जो आता ही 4 दिन रहा लड़ाई पा लेंदी, सानू नहीं पता क्यों पाँदी ही, क्यों नहीं पाँदी ही। कमेटी लैन चलिया, ये देन चलिया ही, देन चलिया कमेटी, तो इन्हें लड़ाई पा के बह गई बलजीत कौर जी। बलजीत कौर ने लड़ाई पाई जदों, मैं इन्हों कहा तू चल कोई नहीं प्यार ना रहा करो, दोवें ना लड़िया करो। मैं बलजीत नूं 4 वारी समझाया, बलजीत समझी नहीं। मैं उन्होंने कहा भी घर गृहस्थी वसाउणी ना, मैं 12 साल की वसण डी हाँ, तो तू 10 महीने तेन विआह नूं तो तू हत्थ चुक ली आ, तू थोड़ी जी शर्म कर, अपना घर सांभ। मेरा डैडी उत्थे रहा है, डैडी मेरे ने कहा भी कच्छा मैं पा दिया कर कुड़िया, तू ना पाया कर, मैं दुकान तो आवाज़ मार लिया कर। उन्हें एक बारी नहीं कहा, डैडी मेरे ने खुद वेख्या छेड़ देन, डैडी कहता डैडी नूं कहती भी डंडा मार, डैडी कहता भी मैं नहीं डंडा मारना, पुत तू मार तेरा प्यो वा, मैं नहीं मारना है। फिर उन्हें नहीं गल कही, डैडी ने मैं सद लवा, डैडी तू झगड़े छड़ तू मेरे घर आ। मैं अपने डैडी ने अपने घर बुला लिया, ठीक है 5-6 महीने तक रहा, चलो चंगा भला रहे आ, इन्हें लड़ाई झगड़े चलते रहे, दोवे जी मियाँ बीबी के वो खर्चे तो लड़ती बीमा इन्हें नाँ ते 10 लाख का, वो 10 लाख की इन्हें कापी पाड़ दी, इस करके लड़ाई पै गई इन्हें घर च, इन्हें खलर पै गया, ये चला गया जम्मू, जम्मू चला गया। तो जो फिर हाँ जी अज अज कुछ नहीं है। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ
ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਘੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਆਈ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਆਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਸੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਅਟੈਕ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਗੰਦ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਾ ਕਦੀ ਭਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਯੋਤੀ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋ ਵੀ ਸੁਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਕਹਾ सर बात ऐसे थी मेरा घर वाला पहले से ही झगड़ता था शक करता था मारता था ठीक है इसलिए मैंने अपनी मम्मी को जिस दिन मारा था उस दिन मैंने मम्मी को बताया मेरे मम्मी पापा बोले फिर से रह ले कुछ नहीं होगा ठीक है फिर हमारा झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा हुआ था ठीक है फिर मैंने दीदी को कॉल किया उसके सामने किया मैं अगर मैं मर भी गई ना तो इसको छोड़ना मत ठीक है फिर उसके बाद दीदी ने बोला कि तू आ जा इधर तो अगर जब वो अगर सुधर जाएगा तो बेच देंगे ठीक है उसके बाद मैं अकेले रहने रही है चैंतपुर में मैंने दीदी को बोला कमरा ले तो मैं अकेले रह लूँगी मुझे काम मिलेगा तो मैं अपना खर्चा मैं खुद चला लूँगी ठीक है फिर उसके घर वाले ने मेरे घर वाले ने वहाँ से पुलिस भी बुलाई पुलिस वाले मैं कमरे में थी ठीक है तो ये भैया नहीं भैया झूठ बोल रहे हैं उन्होंने खुद जब मैंने बोला कि बेइज्जती हो गई है मैं अब रखूँगा कहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद उसने खुद मुझे सिम लेके दी अपने नाम से जो मेरे पास सिम है देखो उसके नाम पे है कि नहीं है उसने खुद नाम पे सिम दी ठीक निकाल के बोली तू चले खुद वो गवाह चल हाँ उसके घर वाले मेरे घर वाले ने खुद भेजा मुझे यहाँ मेरी मम्मी बात करती मैंने मम्मी को बोला मैं काम लग जाऊँगी अगर होगा तो मैं रह जाऊँगी मेरा घर वाला गोवा गया हुआ था ठीक है उन्होंने खुद बोला था मुझे अब वो खाली एक जिद पूरी कर रहे हैं और मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनका प्लान था मैं इनको फंसा दूँ झूठे में झूठा केस लगवाऊँ इन पे ये बात थी और उन्होंने खुद भेजा मैंने नहीं बोला कि भेजो उधर बलजीत कौर के पति सुखदयाल सिंह ने बलजीत कौर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए क्या है ये आरोप आप खुद ही सुने सुखदयाल की जुबानी गल यही की भी ये लड़की हाँ जी ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਇਸੀ ਬਿਆਸ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰ ਵੀ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ ਦਾ ਗਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਿਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਬਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਸੁੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਡੈਡੀ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉੱਠੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪਕੜਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਠੀਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਚੰਡਾ ਦੋ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਲੇਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਲ 'ਚ ਤਾਂ 3 ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸੜੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਸੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे वो भी बाजार से काफी कम दाम पर
नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।